अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MZ Vlogs के साथ एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ। आज जो हम छोटी सी डिटेल बात करेंगे अपने कार्स के बारे में कि पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी, काफ़ी तरक्की पे है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ हमारे पुराने जो मैन्युफैक्चरर हैं या असेंबलर कह लें, होंडा कह लें, सुजुकी कह लें, बीच में उनके प्लांट्स काफ़ी दिन बंद रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन और इम्पोर्ट के पार्ट्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो उनको फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से उनको प्रोडक्शन स्लो हो चुकी है और प्रोडक्शन उनको काफ़ी दिन उनको प्रोडक्शन डाउन रखनी पड़ी। तो अब यहाँ हम आज जो बात करने जा रहे हैं, जो गाड़ी न्यू हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो चुकी है उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल दूंगा। एक कंपनी साजगार, उन्होंने रिसेंटली अपनी एक नया वेरियंट हवल H6 HEV हाइब्रिड मॉडल लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इंट्रोड्यूस करवा दिया और वो बहुत जल्द हमें रोडों पे नज़र आएगी। तो आज हम थोड़ी सी उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, उसके एक्सटीरियर के बारे में, थोड़ा सा इंटीरियर के बारे में, उसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, उसकी प्राइसिंग के बारे में। तो बिगिन करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, काफ़ी दिनों से मैंने जुमला नहीं कहा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा और मेरी ये मेहनत तो इसी मुझे काम आ जाएगी। तो चले बिगिन करते हैं कि हवल H6 HEV एक साजगार ग्रुप है जो कि पहले रक्षाज ट्रक्स लोडिंग गाड़ियाँ इनमें डील करता था, फिर उसके बाद उनकी पहली गाड़ियाँ पहली SUV क्रॉसओवर आई, फिर अब उन्होंने रिसेंटली लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और लोकल मैन्युफैक्चरिंग में ही फर्स्ट उन्होंने हवल H6 HEV हाइब्रिड क्रॉसओवर SUV इंट्रोड्यूस करवा दी है। अच्छा, इसकी मैं प्राइसिंग की बात करूँगा सबसे लास्ट में, पहले मैं इसके पावर की साइलेंट फीचर्स की मैं बात कर लूँ। तो अगर इसके पावर की बात की जाए तो 1.5 टर्बो चार्ज इंजन है इसका, 152 हॉर्स पावर है, 233 न्यूटन मीटर NM टॉर्क है इसका और ये मैक्सिमम 174 हॉर्स पावर पे जाती है जो कि 300 टॉर्क पे भी टच करेगी। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि ये हाई एफिशिएंसी, लो फ्यूल कंजम्पशन, हाई परफॉर्मेंस और लाइट वेट SUV क्रॉसओवर SUV है। अच्छा, अब यहाँ मैं एक्सटीरियर की बात करूँगा। एक्सटीरियर इसमें बात की जाए टायर की तो 19 इंच एलॉय व्हील्स विथ टायर साइज 225 और 55 इंच के हैं। LED हेडलाइट्स एंड टेल लैंप्स दी हुई है, इलेक्ट्रिकली हाइट एडजस्टेबल हेडलैम्प दी हुई हैं, LED फ्रंट एंड रेयर फोग लाइट्स दी हुई हैं, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स दी हुई हैं, पेनोरामिक सनरूफ है, शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक टेल गेट विद डिलेड क्लोजिंग एंड मेमोरी फंक्शन दी हुई है। अच्छा, आप लोग शायद कह रहे होंगे मैं इतना ज़्यादा नीचे देख रहा हूँ या रीड आउट कर रहा हूँ क्योंकि मजबूरी है, इतना ज़्यादा इसकी स्पेसिफिकेशन को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इन हैंड कार तो है नहीं मेरे पास अभी कि मैं उसको चीज़ें दिखाते दिखाते आपको डिस्क्राइब करता हूँ, बट फिर टैबलेट मेरे सामने रखा हुआ तो मैं उसको रीड आउट थोड़ा सा करवा होता हूँ कि उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो इसमें अब बात कर लूँ मैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर में उन्होंने मल्टीफंक्शन स्टेयरिंग व्हील दिया हुआ है, पेडल शिफ्टर्स दिया हुआ है, वायरलेस चार्जर दिया हुआ है, फॉक्स लेदर सीट्स रखी हुई हैं, 6-way इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट की हुई है, 4-way इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट है, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स हैं, 12.25 इंच कलर इंस्ट्रूमेंट है, 12.3 इंच टच स्क्रीन विथ कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो है, ड्यूल जोन ऑटो AC विथ रियर वेंट्स है, अच्छा हीटेड रियर व्यू मिरर है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर है, फुल पावर विंडोज विथ 1-click लिफ्टिंग एंड एंटी पिंच फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें हम जो बात फाइनली करने जाएंगे इसकी सेफ्टी फीचर्स की, कि सेफ्टी फीचर्स क्या दिए हुए हैं इस गाड़ी में, ड्यूल फ्रंट साइड एंड साइड कर्टन एयरबैग्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम दिया हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, सेकेंड कोलाइजन मिटिगेशन दिया हुआ है, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल है, ब्रेक असिस्ट है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल है, 360 व्यू कैमरा दिया हुआ है, फ्रंट रडार दिया हुआ है, फुल ऑटो पार्किंग दी हुई है, ब्लाइंड स्पॉट डिसीजन दिया हुआ है, लेन चेंज असिस्टमेंट दी हुई है, एमरजेंसी लेन कीपिंग दी हुई है, साइड वार्निंग ब्रेक दिया हुआ है, इंटेलिजेंट डॉज दिया हुआ है, इवेंट डेटा रिकॉर्डर दिया हुआ है। अच्छा, अभी कलर्स के बारे में उन्होंने कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिए हैं कि ये क्या होगा। अब इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है,
और बहुत जल्द ये डिलीवरी भी इसकी स्टार्ट हो जाएगी। इन द एंड ऑफ नवंबर मेरे ख्याल में डिलीवरी ये स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ हम बात करें प्राइजिंग की, तो प्राइजिंग इसकी 97,49,000 दी हुई है। बहुत अच्छा एक कह लें कि डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में कि हाइब्रिड फर्स्ट क्रॉस ओवर SUV मेड इन पाकिस्तान, असेंबल्ड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान तो मैं अभी उसको नहीं कहूँगा, बट लोकली मैन्युफैक्चर्ड, लोकली असेंबल्ड मैं उसको कह सकता हूँ, लोकली असेंबल्ड ही मैं इन कहूँगा, क्योंकि पार्ट्स अभी भी बाहर से आ रहे हैं। बट कुछ पार्ट्स पाकिस्तानी भी यूज़ हुए हैं जो कि पाकिस्तानी मेड है, तो 100% मेड इन पाकिस्तान नहीं है, लेकिन 100% असेंबल्ड इन पाकिस्तान है, ये इम्पोर्टेड नहीं है। तो यहाँ हम बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री अब इसमें ग्रोथ नज़र आती जा रही है, कुछ नए वेरिएंट आते जा रहे हैं। साजगार की जो प्रीवियस एक क्रॉस ओवर SUV थी वो बहुत कामयाब रही। लोगों को, जिन लोगों ने भी ली उसका रिस्पॉन्स, उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। हमें चांस मिला तो हम ज़रूर उसके रिव्यूज़ दिखाएंगे। और इस वीडियो के एंड में बिल्कुल ही अभी मैं आपको, या कोशिश करूंगा बिगिनिंग में, अगर कॉपीराइट का इश्यू ना हुआ तो जो टीज़र कंपनी ने दिया है वो इसको एम्बेड भी मैं करूंगा। तो होपफुली मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।